इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज का दिन भी एहतजाज नारेबाजी शोरगुल में गुजरा। पिछले कई दिनों से बेलगाम शहर के माहौल में तनाव देखा जा रहा है। आज फिर कर्नल रक्षण वेदी के संगोली रायन्ना अभिमानी तंजीम के अफरादों ने सैकड़ों की तादाद में पिरनवाड़ी के संगोली रायन्ना चौरस्ते पर एहतजाज करने की कोशिश की गई। वाजा रहे कि शिवाजी महाराज के पुतले की तोहिन के बाद क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के अनगोल की मूर्ति को भी कुछ शरपसंदों ने नुकसान पहुंचा। नारेबाजी और एमईएस पर कार्रवाई की पुरजोर मांग की गई। कन्नड़ तंजीमों ने शिवसेना एमईएस को लेकर हुकूमत को घेरने की कोशिश करते देखा गया। संगोली रायन्ना के पुतले को दूध से नहलाया गया, पुराने पुतले की जगह पर नया पुतला बिठाया गया। इस वक्त कसीर तादाद में खवातीन भी शरीक रही। आखिर में पुलिस की जानिब से करवे एहतजाजियों पर यानी कि कन्नड़ रक्षण वेदिके के एहतजाजियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया और रिहा भी किया गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कर्नाटक हुकूमत और कन्नड़ तंजीमों के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। कर्नाटक की गाड़ियों पर हमले तेज किए गए, कन्नड़ बोर्ड तख्तियों पर कालीख पोती गई, तोड़े भी गए। कर्नाटक की सरकारी बसेस पर भी हमले किए गए। कुल तस्वीर देखी जाए तो तशद्दुद में इजाफा ही होता जा रहा है। कई अफवाहें भी गश्त कर रही हैं। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि किसी तरह अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। सोशल मीडिया पर गलत और गुमराह करने की खबरों पर भी पुलिस की नजर है। कुछ लोगों ने फेक न्यूज के जरिए माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की भी फरियाद की है। कुछ न्यूज चैनल और कुछ न्यूज पोर्टलों ने शिवाजी महाराज के पुतले को खालिक पोतने की खबर को वजीर आला बम्बई ने मामूली वारदात कहा ऐसी खबर फैलाई, जिस पर वजीर आला बम्बई ने इसका इनकार करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र पुरुष की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोगों ने इसी तरह बेलगाम बंद की अफवाहों को भी फैलाना शुरू किया हुआ, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई इत्तला हासिल नहीं हुई। बेलगाम शहर में अधिवेशन जारी है और इस दौरान तशद्दुद की वारदात काबिले मजम्मत ही कह सकते हैं। वही बेलगाम नॉर्थ के एमएलए अभय पाटिल ने तो इससे पहले भी उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा था कि इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है, लिहाजा पुलिस पर नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए देखा गया, इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया गया। अब ये मामला रियासतों की सरहदों को पार कर वजीर आला भी बयानबाजी पर उतरे हुए देखे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी महाराज की तौहीन के मामले को वजीर आजम तक ले जाने की बात कही तो साबिक वजीर आला कुमार स्वामी ने कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र वाले शिवाजी महाराज का मुकाम रखते हैं उसी तरह कर्नाटक में संगोली रायन्ना का भी है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह आला मकामों पर फाइज कायदों को भी इस पर अपनी राय रखने की जरूरत थी? मतलब सभी राष्ट्र पुरुषों की इज्जत होनी चाहिए, किसी को कम या बरतर साबित करने की कोशिश ना की जाए। लिहाजा बेलगाम शहर में बढ़ते तनाजे के मद्देनजर दिफा 144 को बुधवार तक आगे बढ़ाया गया। एक और इत्तला के मुताबिक बेंगलोर सदाशिव नगर के पुतले की तौहीन के बाद ही मामला संगीन बन चुका था और मुजरिमों को गिरफ्तार करने की मांग बेलगाम शहर और उत्तराप में की गई थी, जिसे लेकर बेलगाम संभाजी पुतले के सामने एहतजाज किया गया था। आज बेंगलोर पुलिस ने कर्नाटक रणधीरा पड़े के 7 अफराधों को शिवाजी महाराज के पुतले पर कालीख लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। 7 अफराध कन्नड़ तंजीमों के कारकुन हैं और सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी शनाख्त हो चुकी है। अभी गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस वारदात के पीछे क्या वजह हो सकती है सामने आ सकती है। कुछ लोग मुल्की सतह के पार्टियों का हाथ होने की भी बात कर रहे हैं। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई, इतना जरूर है कि कुछ लोग कुर्सी बचाने के लिए तो कुछ लोग कुर्सी हासिल करने के लिए इस तरह तशद्दुद का सहारा लेते हैं। लिहाजा मामला जल्द साफ हो जाए। जिस तरह शिवाजी महाराज के पुतले की तौहीन करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उसी तरह संगोली रायना पुतले के मुजरिम भी जल्द सामने आए, ऐसा आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। कर्नाटक रणधीरा पड़े बेंगलोर की एक कन्नड़ तंजीम है और इसकी शाखे और कारकुनान पूरी रियासत में है। भैरप्पा हरीश कुमार जिम्मेदार हैं इसके और कल सुबह संगोली रायना पुतले की तौहीन को लेकर विधान सौध के सामने एहतजाज करने का ऐलान भी इन्हीं की जानिब से किया गया, इन्होंने फेसबुक के जरिए किया है। खैर अब शिवाजी पुतले की तौहीन आकर किस मकसद से किया गया है जल्द सामने जरूर आएगा। आज बेलगाम जिला के कई तालुकाओं में बंद का ऐलान किया गया था। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द मामला थम जाए और फिर से कारोबार अपनी रफ्तार थाम ले, क्योंकि जब कभी तशद्दुद होता है तो सबसे ज्यादा मुतासिर तो गरीब आवाम हो जाती है। इससे पहले भी हमने देखा है कि दौरान कोरोना या फिर लॉकडाउन के वक्त आम इंसान को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज भी जिन राष्ट्र पुरुषों की दुहाई सियासी लीडर देते रहते हैं
तो कहीं तो इन्हीं का हाथ होता है, इसलिए कि इन्हें पता है कि इख्तदार की कुर्सी तशद्दुद के रास्तों से ही गुजरकर हासिल की जाती है। सबसे पहले अवाम को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। धर्म, जात पात, भाषा, इसका सहारा लेकर तफरका पैदा कर महज सियासी रोटियां सेकने के लिए आग भड़काई जाती है और अवाम के जज्बात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जलता सुलगता जख्म भी अवाम ही खाती है और कुर्सी पर बैठकर मजे तो लीडर लेते हैं, और हमेशा की तरह अवाम की किस्मत में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी आती है, पर अब इसे रोकना भी मुमकिन नजर नहीं आता क्योंकि अवाम खुद धर्म भाषा के नाम पर लड़ने की आदि हो चुकी है। जरूरत है बदलने की और सोच बदले बगैर हालात नहीं बदल सकते। ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಶಾಂತಿ ಆದಂತಹ ಅಪಮಾನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರಿ, ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಾವು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣ ತಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಎಸ್ ಗುಂಡರನ್ನ, ಎಂಎಸ್ ಸಂಡರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कल फिर किसानों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा. रैत संघ और हसर सेना के काई चंद्रशेखर कुंडल ने फिर कल विधानसभा के सामने किसानों के तीन काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एहतजाज करेंगे, ऐसा ऐलान किया है. आज वजीर आला बसवराज बोम्मई ने सोशल क्लब एंड क्रीडा भवन के इजलास में शिरकत की. वाजा रहे बेलगाम के इस क्लब ने
अपने 100 साल पूरे किए हैं और इसी इजलास में उन्होंने शिरकत फरमाई थी। हुकूमत की जानिब से स्कूली बच्चों को अंडे देने के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हुए विश्व प्राणी कल्याण मंडल के सदर दयानंद स्वामी ने हुकूमत के फैसले को गलत साबित किया और इस फैसले को रद्द करने की मांग की। आज उजलनगर में एमडी डेवलपर्स दफ्तर का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। शहर के नाम और हस्तियों ने इसमें शिरकत फरमाकर मुबारकबाद पेश की। एमडी डेवलपर्स के मालिक इरशाद सफील और नईम झोपड़ी वाले ने अपने हालात का इजहार किया और तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। हमने एमडी डेवलपर्स के नाम का फर्म ओपन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम के अतराफ में सभी जगह हमारे प्लॉट अवेलेबल मिलेंगे आपको और अच्छे खासे दाम में मिलेंगे। और इंशाल्लाह आज हमने ओपनिंग की है, आप सबका साथ और आप सबकी दुआ की जरूरत है हमें, इंशाल्लाह हमें सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आदित्य मोरे, हम आए हैं एमडी डेवलपर्स के इनॉग्रेशन फंक्शन पे, तो हमें बहुत खुशी हुई। हम पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं इरशाद भाई से और इनका पूरा नाम इरशाद साफिल है, जो काफ़ी वक्त से बहुत मेहनत कर रहे हैं बेलगाम के हमारे मुस्लिम अवाम को खास करके जगह मिले, और बहुत खुशी हुई इनकी नई ऑफिस और इनका इनॉग्रेशन फंक्शन अटेंड करते हुए। तो आई विश हिम वेरी गुड लक एंड हमारी पूरी दुआएं और जो भी हो सकता है हमारी तरफ से, वी आर ऑलवेज विद यू। मुबारक हो।